ये कॉलेरा पार्ट थ्री, आज हम ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज कॉलेरा पार्ट थ्री के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कॉलेरा पार्ट वन और कॉलेरा पार्ट टू में काफी चर्चा हम इस पर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है, तो ये मैनेजमेंट में बहुत कुछ पहले भी बताया जा चुका है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो बिंदु होगा इंट्रावेनस थेरेपी, यानी कॉलेरा के केस में ये इंट्रावेनस थेरेपी कब देनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, कब नहीं देनी चाहिए, ये तमाम बातें हम इस पॉइंट के अंतर्गत आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। फिर जो इसका दूसरा होगा वो होगा एंटीबायोटिक थेरेपी, और तीसरा पॉइंट होगा कंट्रोल एवं प्रिवेंशन। तो कॉलेरा के बारे में बहुत कुछ चर्चा करने के बाद हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, इसके मैनेजमेंट में ये जो इंट्रावेनस थेरेपी का हम प्रयोग करते हैं उसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तमाम बातों की जानकारी इसमें हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो इंट्रावेनस थेरेपी, इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब ओरल रिहाइड्रेशन से वाटर एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता, यानी आप ओरल थेरेपी दे रहे हो, ORS का लिक्विड घोल दे रहे हो, फिर भी डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं कर पा रही है, यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जिनकी काफी डिफिशियंसी हो चुकी है, काफी लॉस हो चुका है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो फिर हम ये इंट्रावेनस थेरेपी, यानी वह थेरेपी, वह ट्रीटमेंट जो इंट्रावेनस वेन के थ्रू हम रोगी व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं या संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने के लिए या उसके बॉडी के वाटर लेवल और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको करने के लिए किन किन कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया गंभीर डिहाइड्रेशन में, यानी बॉडी से फ्लूइड का लेवल और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल काफी बाहर जा चुका है और वो लेवल काफी डिक्रीज कर चुका है, तो इस कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड की मदद लेते हैं और वेन के थ्रू हम इसको लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो गंभीर डिहाइड्रेशन है तभी इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, अन्यथा अगर मॉडरेट या माइल्ड लेवल पर डिहाइड्रेशन है तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ओरल रिहाइड्रेशन के जो उपाय पहले हम लोगों ने जिस पर चर्चा किया था उसी से इसकी रिकवरी कर लेना ठीक होता है, कोई जरूरी नहीं कि माइल्ड और मॉडरेट में भी आईवी फ्लूइड दिया ही जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात कब करनी चाहिए, दूसरा बार इसका प्रयोग कब करना चाहिए, जब बार बार उल्टी होने से ORS न ले पाता, माने जैसे ही आपने ORS का घोल पिलाया और संक्रमित व्यक्ति या बच्चा फिर वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया, यानी वो जितना इंटेक किया फ्लूइड उतना तो बाहर आया ही, पता लगा कि उसके साथ साथ कुछ और बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो गया, तो बार बार उल्टी हो, ORS न ले पाता हो, लेता भी है तो तुरंत अगर वोमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको तो उल्टी कर नहीं सकता है, ये सीधा उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तीसरी क्या कंडीशन है, जब रोगी शॉक में जाने लगे, ऐसा लगे आपको कि ये तो शॉक में जा रहा है, तो फिर ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, और ऐसे संक्रमित व्यक्ति में या ऐसे रोगी में हमें तुरंत बिना विलंब किए हुए आईवी फ्लूइड की मदद लेनी चाहिए, ताकि उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए और वो शॉक में जाने से बच जाए, अन्यथा वो शॉक में गया तो फिर समझिए उसकी स्थिति काफी मुश्किल अवस्था में चली जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आईवी फ्लूइड का यूज कर, प्रयोग कर उसके बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ाना चाहिए, और ये जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, गंभीर डिहाइड्रेशन कंडीशन में चला गया है
उसको मेंटेन करने में ये आपकी मदद करता है। फिर आईवी फ्लूइड में रिंगर लैक्टेट प्रथम च्वाइस होता है, न मिलने पर फिर हम ये नॉर्मल सेलाइन का भी उपयोग करते हैं, यह भी काफी लाभकारी माना जाता है, उपयोगी होता है। लेकिन डॉक्टर्स की जो पहली च्वाइस होती है वो होता है रिंगर सेलेक्टेड। तो अगर ये मिल जाता है तो हम तो इसी को प्रायोरिटी में रखेंगे, यही फ्रूट चढ़ाना चाहिए, यही फ्रूट देना चाहिए। मान लीजिए इत्तेफाक से, संयोग से अगर वो ये रिंगर लैक्टेट नहीं उपलब्ध है तो फिर बिना हिचक आपको ये नॉर्मल सेलाइन का उपयोग करना चाहिए। ये भी काफ़ी तेजी से ये इलेक्ट्रोलाइट और ये वाटर के डिहाइड्रेशन की रिकवरी करने में सक्षम फ्लूइड माना जाता है। फिर जो अगला पॉइंट बताया गया है, बच्चों में, वृद्ध में और एनीमिक व्यक्ति एवं कार्डियक पेशेंट में, जो कार्डियक पेशेंट्स मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी हृदय रोग से संबंधित, हृदय रोग से पीड़ित हों, जिनमें इसकी कंप्लेंट पहले से हो, या फिर ब्लड की कमी हो, वो एनीमिक हो, या फिर वो उम्र में बहुत कम हो, बच्चा हो, या फिर बुजुर्ग हो, काफ़ी उम्र जिनकी हो चुकी है, तो ऐसे रोगियों में हमें कुछ प्रिकॉशन की जरूरत होती है। इनके लिए एक पहले से निर्धारित शेड्यूल होता है, डोज होता है, और उसी के अनुसार इनके अंदर हमें ये जो आईवी फ्लूइड है उसका इन्फ्यूज करना चाहिए। ठीक है, और अगला कंडीशन क्या है, यदि संभव हो तो आईवी इन्फ्यूजन के समय भी ओआरएस का घोल दिया जा सकता है। ऐसा है कि बहुत लोग जब तक ड्रिप चलती है, आईवी फ्लूइड चलता है, तब तक लोग ओरल एक कतरा पानी भी नहीं देते हैं, एक बूंद एक ड्राप पानी भी पिलाने में हिचकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसे कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। अगर पेशेंट की रिकवरी इस लेवल पर हो गई है कि वह ओरल कोई लिक्विड ले सकता है, जैसे ओआरएस का घोल अगर ले सकता है, लेने के बाद यदि उसको पचा लेता है, वोमिट नहीं करता है, उल्टी नहीं करता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम आईवी ड्रिप के साथ ओआरएस का घोल भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। अब आता है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक का मतलब, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, वह थेरेपी जो बैक्टीरिया के एंटी काम करे, यानी बैक्टीरिया को किल करके और व्यक्ति को आराम दे। तो एंटीबायोटिक थेरेपी इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसमें मुख्य रूप से जो हम यूज करते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन। यह बहुत ही पुराना ड्रग है, लेकिन आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है, तो हम टेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, कोट्रामॉक्सीजोल का भी उपयोग कर सकते हैं, एम्पिसिलिन हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, तमाम ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो कॉलेरा के बैक्टीरिया को, विप्रिय कॉलेरी को किल करने में हमारी मदद करती हैं। तो बिना हिचक हमें आईवी फ्लूइड के साथ इन इंजेक्शंस का, इन एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके आराम मिले, उसकी रिकवरी हो। फिर दे रहा है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इस कॉलरा को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे इससे बचें, इसमें कुछ आपको बिंदु बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे एक फर्स्ट जो उपाय बताई गई है, प्रथम अवस्था में रोग की पहचान। जैसा कि आप इन व्यवहार में देखते हैं, किसी भी बीमारी या किसी भी रोग में यदि प्रथम अवस्था में उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, तो उस ऐसे व्यक्ति के ट्रीटमेंट में हमें आसानी मिलती है और उसकी रिकवरी बहुत कम समय में बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन वही पेशेंट, वही व्यक्ति, वही रोगी, वही संक्रमित यदि लेट आवर्स में, लेट स्टेज में आपके पास आता है, तो उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी होती है, उसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसकी रिकवरी भी काफ़ी लेट होती है।
तो सबसे अच्छा उपाय है कि हमें पेशेंट की अर्ली डायग्नोसिस कर लेनी चाहिए, यानी सब बहुत पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। प्रथम अवस्था में ही पहचान करके यदि हम उसका प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन प्रॉपर ये ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो उसकी रिकवरी बड़े आराम से और बहुत ही कम समय में हो जाती है, और वो व्यक्ति की रिकवरी हो जाती है। उसके बॉडी का जो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो चुका है वो सामान्य स्तर पर ले जाने में काफी आसानी होती है। लेट करके दवा करने से बात और बिगड़ जाती है और व्यक्ति को समय से या जल्दी लाभ मिलने में भी काफी देर होती है। दूसरा बताया गया नोटिफिकेशन या अधिसूचना, ये क्या है भाई? तो नोटिफिकेशन का मतलब जैसे अगर ये कालरा की केस मिलती है तो हमें ये करना चाहिए कि तुरंत हमारे निकटवर्ती जो सरकारी हेल्थ सेंटर्स हैं, जैसे पीएससी है, सीएससी है, तो वहाँ हमें इसका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, वहाँ सूचना देनी चाहिए, ताकि उस हेल्थ सेंटर से डॉक्टर्स की टीम आए, स्वास्थ्यकर्ताओं की टीम आए और इसको रोकने के जो भी उपाय हो सकते हैं वो करें। तीसरा है प्रॉपर या उचित ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस सही है कि यह व्यक्ति कालरा से ही पीड़ित है, विब्रियो कालेरी का ही संक्रमण है, तो उसके अनुसार ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर या उचित, अब जैसे कि ये देखने में आता है कि ये जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस है, तो कुछ ऐसे जो मान लीजिए ढंग से पढ़े लिखे प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं हैं, वो फ्लूइड के नाम पर कुछ भी फ्लूइड चढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की हालत और गड़बड़ हो जाती है और रिकवरी नहीं हो पाती। जैसे फ्लूइड में बहुत सारा है, जैसे ये डेक्सट्रोजा है, 5% है, 10% है, तो ऐसा भी लोग करते हैं कि ना जानकारी में अज्ञानता बस ये नॉर्मल सलाइन ना मिला, रिंगर लैकेट नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं है, तो वो करते क्या है, डेक्सट्रोजा ही चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस संक्रमित व्यक्ति को प्रॉपर लाभ या उचित लाभ या कम समय में उसके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रिकवरी तभी होगी जब उसको उचित तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी उसके रोग से संबंधित जो ट्रीटमेंट है वही दिया जाए। बाकी उसके दाएं बाएं आप घूमते रहेंगे तो व्यक्ति को ना तो लाभ होगा और ना ही उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो पाएगा। अगला पॉइंट इसमें बताया गया विसंक्रमण, यानी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा कोई भी वस्तु जो उसके उपयोग में लाई गई उसका ढंग से विसंक्रमण करना चाहिए, या फिर जो वो इंटेक कर रहा है, जैसे फूड है, ड्रिंक है, खाने की चीज है, कुछ भी है, तो वो अच्छी तरीके से विसंक्रमित होनी चाहिए, तभी उसका यूज उसे करना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया खाद्य एवं पेय पदार्थों की शुद्धता। जो चीजें वो खा रहा है या पी रहा है वो शुद्ध तरीके से उसको दिया जाए, उसकी शुद्धता की जांच कर लिया जाए, उसका प्रिकॉशन ले लिया जाए, तभी ऐसी वस्तुएं उसको खाने, कॉन्टामिनेटेड खाने से तो ये रोग होता ही है और मुसीबतें होगी कि उसमें और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जो भी खाद्य और पेय पदार्थों की सामग्री है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जैसे पानी है तो पानी हमेशा ये क्लोरीन युक्त पानी ही पीना चाहिए, या फिर अगर क्लोरीन उपलब्ध नहीं है तो वाटर को आप अच्छे से बॉइल्ड कर लें, फिल्टर कर लें, फिर रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तभी पिए। ये खाद्य पदार्थों को हमेशा किसी जार में ढक करके रखें, या जालीदार कोई कैप हो तो उसके अंदर इसको ढक करके रखें, फिर उस चीज का यूज करें। ये मार्केट में खुले में जो तमाम गाठी, समोसा, मिठाई या तमाम खाने की चीजें हैं ये खुले में लोग बेचते हैं, तो इस तरह के पदार्थ को खाने से, इस तरह के खाद्य पदार्थों को या इस तरह के पेय पदार्थों को लेने से ये कंट्रोल नहीं हो सकता है बल्कि और बढ़ेगा।
तो इसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, खुली में रखी हुई वस्तुओं का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, बिना क्लोरीन युक्त पानी का वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्लोरीन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पानी को अच्छी तरीके से हाई टेम्परेचर पर बॉइल करके उसको फिल्टर करके और उसको शुद्ध कर लीजिए, छान लीजिए और कोल्ड होने पर ही उसका यूज करिए। छठवां उपाय बताया गया शौचालय का उपयोग। संक्रमित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति शौचालय का अगर उपयोग करे तो खुले में शौचालय ये शौच करने से ये काफी चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, इसलिए खुले में शौच से बचना चाहिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 10 मिनट पहले जिस स्थान पर शौच करके गया है वो इससे संक्रमित रहा हो, 10-20 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति उसके बगल में जाके बैठ जाता है, शौच करता है, तो उसके शौच पर ये जो मक्खियां बैठती हैं तो वो फिर आकर के वहां बैठती हैं, फिर वो आकर के खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, तो इसलिए शौचालय का उपयोग भी जरूरी होता है इससे बचने के लिए। ये शौचालय में या टॉयलेट में शौच करना ये हमेशा सुरक्षित माना जाता है, इसलिए खुले में शौच न करके टॉयलेट में ही शौच करना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया मक्खियों से बचाव एवं नियंत्रण। ये मक्खियां एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में इन्हें देर नहीं लगता, ये संक्रमित व्यक्ति के फीकल मैटर या किसी भी तरह के डिस्चार्ज पर बैठती हैं, फिर वहां से उड़ करके ये जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उन पर जाकर के बैठ जाती हैं। और एक हेल्दी व्यक्ति जब उसका यूज करता है, उस खाद्य पदार्थ का या उस पेय पदार्थ का यूज करता है, तो फिर वो संक्रमित हुए बिना नहीं रह सकता, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, फिनाइल वगैरह से फर्श की धुलाई सफाई करनी चाहिए, ये जो बज बजाते हुए नालियां हैं, गंदे पानी का एकुमुलेशन है, कलेक्शन है, इस सबको हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, धुलाई रखिए, ताकि मच्छियां जो है गंदे स्थानों पर ही ज्यादा मिलती हैं। तो इस तरह से हम मक्खियों से बचाव करके भी इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। आठवां पॉइंट बताया गया वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन क्या है? जैसा कि तमाम वायरस बॉर्न डिजीज या बैक्टीरिया बॉर्न डिजीजेज में आप देखते हैं कि हम वैक्सीन का सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं, और किसी भी बीमारी के प्रोफाइलेक्शन में या उसके प्रिवेंशन में वैक्सीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप एक ऊपर पॉइंट बताया गया है नोटिफिकेशन, जब यही फायदा होता है जब आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये नोटिफिकेशन कर देते हैं, सूचना दे देते हैं कि अमुक जगह पर दो व्यक्ति कॉलेरा से प्रभावित हैं, तो टीम आती है और वो पूरे आबादी को वैक्सीनेट करना शुरू कर देती है, ताकि जो लोग बचे हैं, जो हेल्दी हैं, वो तो कम से कम वैक्सीनेशन के थ्रू उनको तो रोका जा सके, उनके अंदर इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके, तो वैक्सीनेशन बहुत ही उचित है। अगला पॉइंट बताया गया हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि कॉलरा का कारण क्या है, ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और दूसरे को भी अस्वस्थ बना देता है, इसकी गंभीरता क्या है, इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे तो हम जान लेंगे कि यह व्यक्ति कॉलरा से संक्रमित है, और इसको कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से उन लोगों में ये जानकारी पहुंचाएं, उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करें कि आपको साफ सफाई से रहना है, क्लोरीन युक्त वाटर ही पीना है, और खुले हुए स्थानों पर रखे हुए सामानों का यूज नहीं करना है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो ये तमाम इस तरह की जानकारी हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हम अन्य लोगों में पहुंचा करके उनके अंदर जागरूकता पैदा करके इसकी रोकथाम करने में एक अहम मुकाम हासिल करते हैं। तो ये हेल्थ एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, जब आदमी के अंदर अवेयरनेस हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, तो स्वयं भी इससे बचने के तमाम जो तरीके बताए गए ये करना शुरू कर देगा, प्रिकॉशन लेना शुरू कर देगा,
तो कालरा के इन्फेक्शन से अपने को बचा सकता है और अपने को हेल्दी रख सकता है। बाकी अब ये कालरा का जो पार्ट 3 है, इसमें कालरा की कहानी समाप्त हो गई। अगले एपिसोड में कोई हम नई बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज लेकर के आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे।